i wanted to share you uh, guys uh, about my experience of uh, like second year how my second year at iit guwahati was so it was a semi offline and semi online semester for some people and it was um, like though aadha uh, my uh, one and a half month was online and the rest was completely holidays well apart. so i'll begin begin with my third semester थर्ड सेमेस्टर हमारा शुरू हुआ था एक फ़ोटो क्लिक से दैट वाज ऑनलाइन हमारी फ़ोटोज़ क्लिक की गई थी फॉर द कोर्स रजिस्ट्रेशन सो वी गॉट इन टू आर कोर्सेज हमारा सेमेस्टर शुरू हुआ एंड uh, पढ़ाई शुरू हो गई वी लाइक हमारा प्रॉपर कोर वाला चीज़ें हमें पढ़ाई जाने लगी आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच तो पूरी की पूरी, पूरी प्रॉपर कोर वाली चीज़ें आपको पढ़ाने लग जाते हैं राइट फ्रॉम द सेकेंड ईयर पहले सबका कॉमन रहता है तो वो सब मेको uh, काफ़ी अच्छा लगने लगा uh, मैंने वो सब पढ़ा uh, फिर उसके बाद जैसे कि सब पढ़ते थे कच्चा पक्का आई ऑल्सो यूज़ टू डू दैट उसके बाद इतने सारे क्लब्स में आई वॉज अ पार्ट ऑफ कि मैं ए में थी उसके डिज़ाइन वाले में और वेबडी वाले में फिर आई वॉज इन ई सेल आई वॉज इन रोबोटिक्स रोबोटिक्स में आई वॉज डूइंग टू प्रोजेक्ट Yuvan and uh, magic uh, and Wall Plotter. Uh, Wall Plotter was about to end, but uh, Yuvan just started with तो वो सब था and और भी बहुत सारी चीजें थीं which I particularly don't remember for now. मुझे आप लोगों के लिए videos बनाना था tha. at that time I was very active. और क्या-क्या था मेरी लाइफ में? मेरी लाइफ में KPI T था which was a turning point in my life. KPI T as a project uh, gave me a lot of things to learn from. तो के पी आई टी के लिए आई वॉज एन सीरियस इन द बिगनिंग जब मेरे इतनी सारी चीज़ें होती थी तो आई वॉज एंड टेबल टू मैनेज थिंग्स क्वाइट इफिशियटली ऑल्सो बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो यू गेट फेड अप विद लाइफ ऐसा लगता है यार इतनी सारी चीज़ें कर क्यों रहे हैं विद स्टडीज़ वाई डू वी इवन वॉन्ट टू बर्डन इन आर लाइफ विद सो मेनी थिंग्स तो मेरे को ऐसा लगता रहता था बट के पी आई टी को आई वॉज के पी आई टी इज़ अ प्रोजेक्ट वो हमने शुरू किया एंड उसने मेरी लाइफ को टोटली totally चेंज कर दिया बिकॉज ऑफ के पी आई टी आई गॉट इन टू कॉलेज मेरे को परमिशन मिली लाइक um, कॉलेज like, में जाने की एंड आई वॉज सो हैप्पी फॉर देट कॉलेज में जाने के लिए जब हमें परमिशन मिली तो वी वर ओनली जस्ट फोर फ्रेशर्स जिनको परमिशन मिली थी बिकॉज uh, हमारे uh, जो फ्रेशर्स थे लाइक द फर्स्ट इवेंट अराइव्ड एट तो हम आइडियली हम ही फ्रेशर्स थे तो विल से फ्रेशर्स ओनली तो हम चार ही लोग थे जो uh, कि अलाउड थे इन द कैंपस एंड कैंपस इतना खाली था उस टाइम पर कोई भी नहीं था कैंपस में तो जब हमें परमिशन मिली बस सोईगर टू गो टू द कैंपस मैंने अपने बाल भी कलर करा लिए थे कि चलो अब फाइनली मुझे कैंपस में जाने का मौका मिलेगा पहले तो मैं सिर्फ वन पॉइंट फाइव मंथ के लिए रह के आई थी फिर हमें भगा दिया था उसके बारे में भी आई टेल यू फुल स्टोरी इन अनदर वीडियो ऑफ माइंड तो वो uh, सब चीज़ें हुई थी uh, मैं कैंपस में गई इस बार जब मैं कैंपस में गई थी आई रिमेंबर द डेट इट वॉज ट्वेंटी थर्ड ऑफ अक्टूबर वेन आई वेंट टू द कैंपस मेरा सेम चल रहा था एंड आई हैड अ प्रोजेक्ट विद मी ऑल्सो के पी आई टी तो हमें ऐसा था कि हम फिफ्टीन ट्वेंटी डेज़ में वापस आ जाएंगे घर पर अभी प्रोजेक्ट uh, के सिलसिले में वी हैड सम हार्डवेयर थिंग्स विच वी कैन नॉट डू एट होम तो हमने सोचा कि हम कैंपस uh, में चलते हैं पंद्रह बीस दिन के लिए विदाउट द परमिशन एंड वैन वी एंटर्ड इन द कैंपस ना उसकी भी एक अलग स्टोरी है वो तो अभी मैं बताऊंगी तो वीडियो विल बी टू लॉन्ग तो जब हम कैंपस में गए तो वी वर वेरी हैप्पी हमने पंद्रह दिन के लिए ऐसा किया था कि पंद्रह दिन बाद वापस आ जाएंगे बट हमारा सिलेक्शन होता गया आगे आगे एंड इट गॉट एक्सटेंडेड टू वन मंथ तो हमने सोचा इट्स ऑल राइट वन मंथ रहेंगे दिवाली भी मना लेंगे कैंपस में तो आई कैंपस की दिवाली कैंपस की दिवाली वो सो नाइस फॉर मी आई जस्ट लव इट फिर उसके बाद दिवाली के बाद क्या हुआ दिवाली के बाद हमारा uh, एक अब uh, uh, हमने सोचा कि अब uh, काम करने से पहले के पी आई टी का काम कंटिन्यू करने से पहले वॉट वी डू इज़ हम थोड़ा घूम के आते हैं तो हम सिटी विजिट के लिए गए विच वॉज आर फर्स्ट टाइम तो हम सिटी विजिट के लिए गए दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस क्योंकि पहली बार सिटी में गए थे अकेले तो बहुत मज़ा आया फिर उसके बाद क्या हुआ uh, फिर हम थोड़ा के पी आई टी करने लग गए वी गॉट टू नो कि कैंपस में बच्चे नहीं ऑब्वियसली बच्चे नहीं थे एंड क्लब इतना खाली खाली मज़ा आ जाता था सिर्फ चार लोग होते थे कैंपस में एंड वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज वी वर द फर्स्ट फ्रेशर्स टू गो इंटू द कैंपस और हम अपने आप को सीनियर फच्चा बोलते थे बहुत प्राउडली वी वर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी आर इन कैंपस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब ऑफ आई गुवाहाटी तो आ, उस चीज़ के लिए वी वर वेरी प्राउड और इफ़ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ फच्चा तो इट्स फ्रेशर विच इज़ फ्रेशर प्लस बच्चा तो अगर आप आई में जाते हैं तो दिस इज़ अ कॉमन टर्म दैट यूल गेट टू हेयर क्वाइट ऑफन की आप लोगों को फच्चा बोला जाए तो डो नॉट गेट ऑफ एंडेड दैट इट्स फ्रेशर प्लस बच्चा और ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया इफ़ लाइक रिमेंबर इट फिर जब हमारा ये हुआ तो के पी आई का काम होने के बाद वी गॉट इन डायोजन टू ड्रोन उत्सव एक ड्रोन उत्सव आया था अचानक से ही दे अस की ड्रोन उत्सव है ड्रोन उत्सव में मिनिस्टर्स uh, आए थे एंड वी हैड टू शो केस आर प्लेन मॉडल्स एरोप्लेन जो भी एरो मॉडलिंग क्लब ने बनाया था ड्रोन्स वग़ैरह वो उसमें शो करने थे तो क्योंकि uh, लोगों को लगा कि आई हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन क्लिकिंग फोटोज विद गोप्रो एंड डी तो आई वॉज गिविन द जॉब ऑफ डूइंग दैट तो मैंने वो किया वहाँ पे ऐसे मिनिस्टर्स के बीच में जाके आई यू आई लाइक आई क्लिक द फोटोज़ और कितना ऐसे वी वाली फीलिंग आ रही थी कोई मुझे मना ही नहीं कर रहा था कहीं पर भी जाओ कहाँ कहीं पर भी जाके खड़े हो जाओ कोई बाहर ही नहीं निकाल रहा था बिकॉज़ फ़ोटोज़ खींचनी थी तो वो मैंने काम किया उसके लिए भी मैंने uh, मतलब आई थाट ऑफ मेकिंग अ ब्लॉग बट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम

तो हमें उतनी दिक्कत नहीं थी यू कैन अंडरस्टैंड वो टाइम सिंग तो उतनी दिक्कत नहीं थी फिर भी पढ़ना तो पड़ता है ना ऐसे थोड़ी ना बिना पढ़े पेपर देने चले जाओ तो पेपर जब हमारा एन सी एम्स आए मतलब द सेमेस्टर वोज अबाउट टू गेट ओवर द थर्ड सेमेस्टर वॉज अबाउट टू गेट ओवर तो पाँच दिन हमारे अप्रॉक्स पेपर चले और पाँचों दिन में से आई रिमेंबर एक भी दिन हमने सीरियसली पढ़ाई नहीं की होगी हम हमेशा रात को पढ़ते थे रात को नाइट आउट्स वगैरह मारते थे पढ़ाई के तो वो सब पढ़ा पढ़ा हमने और उस टाइम हम ल्यूनर एक्लिप्स का टाइम था तो हम पहुंच गए छत पे अपने टेलीस्कोप लेकर इतने सारे आ, हमने एस्ट्रोनॉमी क्लब खुलवाया क्योंकि कोई नहीं था मतलब कैंपस में तो हम कुछ भी कर सकते थे आई थिंक तो हमने एस्ट्रोनॉमी क्लब से वो खुलवाया और हमने ल्यूनर एक्लिप्स देखा बहुत ज़्यादा मज़ा आया था उस टाइम पर तो वो सब किया फिर जब हमारे पेपर्स ख़त्म हो गए तो सब कुछ लाइक uh, like, हमें लगा कि अब तो सब कुछ हम कर सकते हैं वी हैव द फ्रीडम टू डू एनी बट हमारी दिसंबर में डेडलाइन थी फॉर के कि हमें सबमिट करना है उसके बाद के भी ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट ओवर इफ़ वी डू नॉट गेट सेलेक्टेड फर्दर तो हमने ऐसा प्रोटोटाइप बनाया था जो हमें लग रहा था दैट वी माइट नॉट गेट सेलेक्टेड इन दैट तो हमें लगा कि 18 दिसंबर के बाद वी हैव टू गो और दिसंबर में क्या होता है कि सेमेस्टर खत्म हो जाता है तो सेमेस्टर खत्म होने के बाद ऐसा था कि यू हैव टू गो टू लाइक गो बैक टू होम लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ सब बच्चों को हमसे इंस्पिरेशन मिला आई थिंक दैट आई डोंट नो व्हाट हैपन्ड और व्हाट नॉट हैपन सब बच्चों को इंस्पिरेशन मिला कोई उद्गम की वजह से कोई आलचल की वजह से बहुत सारे फेस्टों की वजह से बच्चे कैंपस में आने लगते हैं एंड आर फ्रेंड्स केम टू तो हमने सोचा कि एटीन दिसंबर के बाद भी कैंपस में ही रुकते हैं बिकॉज आर फ्रेंड्स आर देयर विद अस तो मेरे जब फ्रेंड्स आए आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं अब उनके साथ मस्ती कर सकते हैं तो मैंने सोचा चलो मस्ती करते हैं तो 18 दिसंबर से पहले हमने काफ़ी मस्ती की फच्चे आ गए थे हमारे फ्रेशर्स आ गए थे तो उनके लिए स्कैवेंजर हंट वगैरह ऑर्गेनाइज़ करना वी वेंट टू द सिटी आ, सिटी में जाने के लिए मतलब आ, जैसे पहले हम आ, सबसे पहले सिटी में गए थे उसके बाद हम सिटी गए आज uh, जब हमारे पेपर ख़त्म हो गए फिर हमारी पूरी रोबोटिक्स क्लब की टीम से uh, सिटी में गई थी बड़ा मज़ा आया था उस टाइम पे, बिकॉज 20, uh, 30 लोग थे एंड इट वाज सो फन तो तब हम गए सिटी में फिर उसके पाँच छः दिन बाद हमें KPIT के के हार्डवेयर के सामान के लिए वी हैड टू गो टू द सिटी तो तब हम सामान uh, सिटी गए और तब मुझे एक्चुअल में पता लगा कि शॉपिंग कैसे करते हैं बारगेनिंग कैसे करते हैं वो भी हार्डवेयर आइटम्स की तो मैं पहली बार uh, वो शॉपिंग करने गई थी दैट वॉज गुड एक्सपीरियंस फॉर मी कि मैंने खुद से शॉपिंग की Uh, फिर हम uh, हमने थोड़ा के पी का काम किया फिर अचानक से हमें से के पी का सामान फिर से लेके आना पड़ा तो फिर हम सारे लोग गए थे फिर हमने शॉपिंग की हम रास्ता ही भूल गए बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए थे दैट इज़ ऑल्सो लाइक आई वॉन्ट टू शेयर ऑल दिस एक्सपीरियंसिस विद यू गाइज बट इतनी बड़ी बड़ी वीडियोज़ बन जाती है ना फिर मैं भूलती चली जाती हूँ इतने सारे एक्सपीरियंसेज शेयर करने होते हैं तो ये प्रॉब्लम है बट आई मेक अ पॉइंट कि जितना हो सके आई विल टेल यू अबाउट ऑल ऑफ दीस थिंग्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट तो यू कैन टाइप इन द लाइक कॉमेंट बॉक्स इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू नो अबाउट माई एक्सपीरियंस फिर क्या था आई वॉज अ पार्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स कभी रोबोटिक्स क्लब में फ़ोटो शूट हो रहा था कभी इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब में फ़ोटो शूट हो रहा था वेयरिंग आर टी शर्ट्स एंड ऑल तो उन सब चीज़ों में हमारा टाइम निकला फिर हमने प्रोजेक्ट्स बनाए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने में मतलब आई वॉज अ पार्ट ऑफ के पी आई टी फिर से मैजिक फ्रेम ये वो इतनी सारी चीज़ें थी और मैं पार्ट मैं खुद कन्फ्यूज़ रहती थी ये करूँ वो करूँ वीडियो बनाऊँ सो दैट इज़ दर मेन रीज़न कि मैं वीडियो पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई

तो हमारा प्रोजेक्ट खत्म होते ही वी वर सो फेड अप विथ के पी आई टी दैट वी रन स्टेट अवे टू द सिटी टू इंजॉय हमने सिटी में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया बहुत सारे फ्रेंड्स भी आ गए थे पहले तो सिर्फ हम चार लोग जाते थे सिटी में लेकिन अब हम पूरे आठ नौ लोग थे जो सिटी में जा सकते हैं तो हम फ्रेंड्स के साथ सिटी में गए फिर उसके बाद ऐसा था कि आ, आ, मतलब क्रिसमस आ रहा था न्यू ईयर आ रहा था तो उसके लिए शॉपिंग करनी थी फिर से सिटी में गए बिकॉज हमारे पास कपड़े नहीं थे इतने दिनों से कैंपस में आए हुए थे हम तो पंद्रह दिन के लिए आए थे ना कपड़े तो लाए नहीं थे इतने तो फिर शॉपिंग वगैरह के लिए गए तो सब शॉपिंग के लिए गए तो आपको पता है कि हमने कितने की शॉपिंग की थी वी शॉप फॉर अराउंड ट्वेंटी

फिर क्रिसमस uh, का ख़त्म होते ही uh, थोड़ी बहुत चीज़ें और की के तो उस टाइम तक ख़त्म हो चुका था बिकॉज़ रिज़ल्ट uh, नहीं आए थे KPID के के एंड वी वर इन्श्योर कि हमारा होगा कि नहीं एंड वी वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक एक महीने का ब्रेक था अराउंड वन मंथ एक महीने बाद रिजल्ट आए पंद्रह बीस दिन बाद एंड वी स्टार्टेड वर्किंग अगेन आफ्टर वन मंथ बिकॉज वी गॉट सेलेक्टेड इन इट तो हम फिर से घर वापस नहीं गए तो ऐसा था कि ऐसे होते 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 कब हमारे पंद्रह दिन uh, सात महीने में बदल गए वी आरसेल्स डोंट नो Uh, सात महीने बाद भी वेंट बैक होम बट उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हुई न्यू uh, ईयर हुआ न्यू ईयर पर बहुत सारे लोग आए कैंपस में कैंपस में आके कोरोना फैला uh, फैला दिया उन लोगों ने तो कैंपस से भगा दिया गया उनको um, हमने कुछ चीज़ें की जिससे हमें नहीं भगाया गया लाइक वी ट्राईड बेस्ट नॉट टू गो बैक टू द लाइक होम बिकॉज अगर हम घर चले जाते तो हमारा जो के में हमने इतनी मेहनत की थी वो सब बर्बाद हो जाती बिकॉज़ uh, घर पे बैठ के कुछ हार्डवेयर का काम नहीं होता एंड इतनी सारी स्टेडीज स्टेजेज हमने पास की थी के की तो हम उसको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे तो वी टुक द लाइक बर्डन कि हम कैंपस में रहेंगे एंड दैट वॉज सो so demotivating फॉर आस कैंपस में उस टाइम पर इतने सारे केसेज आते थे, थे हमें लॉकडाउन में डाल दिया था हमारा हॉस्टल चेंज हो गया था बिकॉज आर हॉस्टल वॉज लाइक वो बिकम लाइक कोविड हॉस्पिटल जो भी था वो तो वो बन गया था हमारा हॉस्टल हमें निकाल दिया गया था हमें दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट होना पड़ा था डबल शेयर बेसिस पे पहले तो सिंगल शेयर था वो सब हमने किया अरेंज किया उसके बारे में भी एक कहानी है विच आई आई एम नॉट सपोज टू टेल लेट हेयर बिकॉज दंगे हो जाएंगे तो वो सब मैं नहीं बताऊंगी अभी बाद में कभी बता सकती हूँ तो वो जब शिफ्ट हुए तो बहुत ज़्यादा ऐसा रहता था डिप्रेशन में अपने रूममेट के साथ हमेशा डिस्कस करती रहती थी कि यार वापस चलते हैं क्या फ़ायदा है यहाँ पर रहने का लाइक कोई फ़ायदा नहीं चलो, है चलो वापस चलते हैं उस टाइम पर हमारा न्यू सेम भी शुरू हो गया था फोर्थ सेम तो आ, फिर धीरे धीरे करके माई फ्रेंड्स मोटिवेटेड कि यार पाँच मतलब पंद्रह बीस दिन की बात है लॉकडाउन में तो यू हैव टू मैनेज एंड आई नो यू विल मैनेज मैंने मैनेज कर लिया आई एम सो हैप्पी फॉर देट मैं चली जाती तो अच्छा नहीं रहता मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स चले गए थे और आखिर में सिर्फ हम चार लोग दोबारा से बचे थे शुरू में कैंपस खाली अच्छा लगता था बाद में दोस्त आ गए तो कैंपस और अच्छा लगने लगा लेकिन जब लोग चले गए तो कैंपस फिर से अच्छा लगने लगा <laughs> तो कैंपस कभी भी हो अच्छा लगेगा बिकॉज कैंपस यही इतना अच्छा तो वो सब हुआ फिर उसके बाद हमने अपना के का पी का काम फिर से शुरू किया के का पी का काम शुरू किया सेमेस्टर शुरू हो गया पहले सेमेस्टर में हमें मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी, थी एक सर थे जिनसे हमें बहुत डर लगता था ये सेम थोड़ा हमें कम डर आपने लगा बट ये सब होने के बाद जैसे फर्स्ट ईयर मतलब जब फर्स्ट वो हुआ था तो मैंने न्यू ईयर पे एक वीडियो भी बनाई यू कैन गो चेक दैट आउट और नेक्स्ट डे जब हमारा ट्रिप बना तो शिलोंग ट्रिप पे वी वेंट उसके लिए भी आई मेड अ सेपरेट वीडियो आई लिंक इट है यू कैन गो एंड वॉच इट बहुत अच्छी वीडियो है इट्स अ मिनी व्लॉग जिसके अंदर मैंने बताया है कि हमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई कोरोना की वजह से जब हम कैंपस में गए तो वो सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं उस वीडियो में सो कैन गो एंड वॉच दैट आउट एज वेल फिर उसके बाद क्या हुआ हमारा रिजल्ट आया एंड वी गॉट सेलेक्टेड इन के पी आई टी एंड वी गॉट अ चांस टू तो विजिट टू पुणे फॉर शो केसिंग आर प्रोटोटाइप दैट वॉज दी बेस्ट मोमेंट इन आई लाइफ बिकॉज हमें पूरा फंड मिल रहा था रिफंड मिल रहा था फॉर गोइंग इन टू पुणे और इतना खुश थे हम लोग कि हम अब पुणे जाएँगे uh, और उसी टाइम पर मतलब एक दो महीने बीत गए वी वर सो इंडल्ज इन मेकिंग आर प्रोटोटाइप उसकी भी वीडियो आई एल मेक दैट इज़ गोइंग टू बी और श्योर वीडियो फ्रॉम माय साइड बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा uh, मतलब के पी आई टी इज़ रियली अटैच टू माई हार्ट और मैं उसके बारे में बहुत कुछ आपको बताना चाहती हूँ तो वो सब मैं बनाऊँगी सेकेंडली फिर uh, जब हमारा वो हुआ तो हम के पी आई टी में बहुत ज़्यादा लग गए थे और फिर अचानक से इंस्टीट्यूट डिसाइडेड टू तो कॉल बैक द स्टूडेंट्स और हमारे फ्रेंड्स फिर से वापस आ गए एक महीने बाद एक दो महीने बाद अप्रॉक्स तो उनको मार्च में वापस आना था मार्च में ही हमें uh, जाना था के पी आई टी के लिए पुणे तो uh, वो था तो ट्वेंटी थर्ड अक्टूबर को हमें मार्च में वापस जाना था लाइक पुणे और उससे पहले सेवेंटीन अक्टूबर के सॉरी मार्च के अप्रॉक्स बच्चों को बुलाया गया था तो ऑफलाइन सेमेस्टर ट्वेंटी से शुरू होने वाला था ट्वेंटी या सेवेंटीन आई डोंट रिमेंबर उसके आसपास से शुरू होने वाला था फिर उसके बाद एलचर आया एलचर इज़ द कल्चरल फेस्ट ऑफ़ आई आई उसमें इतना इन्जॉय किया हमने कैंपस बहुत खाली खाली था तो थोड़ा और इन्जॉय कर लिया शायद से दैट इज़ द पर्सनल ओपिनियन कि खाली कैंपस में ज़्यादा मज़ा आता है बट जब कैंपस भर जाता है तब भी डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं तो और मज़ा आता है तो आल्चर हुआ हमारा जब बच्चे नहीं आए थे बच्चे चार पाँच दिन बाद आए थे आफ्टर आल्चर वॉज हेल्ड तो आल्चर में हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो फॉर आल्चर ब्लॉग ऑल्सो यू कैन गो चेक दैट आउट आल्चर में कैसे कैसे uh, मतलब अमाल मलिक आए थे तो 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 आपको देखना ही चाहिए आई गैस तो उससे आगे मैं हालचर के बारे में कुछ और नहीं बताऊंगी बट इट वाज दी बेस्ट फेस्ट विच वाज एवर ऑर्गेनाइज बिकॉज दो साल में एक ही बार देखने का मौका मिला एंड वेरिया एंड आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट बट थोड़ी टेंशन थी बिकॉज वी हैड के उसका प्रोटोटाइप बनाना था एंड वी जस्ट हैड टेन टू ट्वेल्व डेज कॉम्पिटिशन से पहले तो ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई फर्स्ट ऑफलाइन क्लास हुई उसका भी एक ब्लॉग मैंने बनाया कैन गो चेक दैट आउट तो वो सब चीज़ें थी फिर उसके बाद क्या हुआ आ, हम के के लिए गए और वहाँ का एक्सपीरियंस वज अमेजिंग मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें के की चीज़ें करते हुए और जब हम वहाँ से वापस आए मतलब वहाँ पे हम गए थे तो पाँच महीने बाद मैं अपने पेरेंट्स से मिली मैंने अपने पेरेंट्स को भी वहाँ पे बुला लिया था टू सी आर कॉम्पिटिशन दैट वॉज हेल्ड ऑन अ वेरी बिग स्केल तो सब बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बुलाया था तो uh, हमने काफ़ी इन्जॉय किया uh, वहाँ पे जब हम वापस आए तो हमने सोचा कि अब हमें थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए रिगार्डिंग आर स्टडीज़ बिकॉज़ इट इज़ गोइंग टू बी एन ऑफलाइन सेम ऑफलाइन सेम में तो बहुत दिक्कतें आने वाली हैं यू कैन अंडरस्टैंड दैट तो ऑफलाइन सेम में थोड़ी बहुत दिक्कतें आना शुरू हुई पेपर्स ऑफलाइन होने लग गए मार्क्स भी कम हो गए तो uh, वो सब था और उस टाइम पर फिर ऐसा हुआ कि uh, मतलब आने के बाद भी कम थोड़ी ना होती हैं चीज़ें मैं जनरल सेक्रेटरी बन गई थी इंटरिम ऑफ माय हॉस्टल क्योंकि हमने वापस से हॉस्टल चेंज कर लिया था हमने आलचर के टाइम पे हॉस्टल चेंज कर लिया था क्योंकि एक नया हॉस्टल बना था फॉर गर्ल्स एंड वी वांटेड द बेस्ट तो हम नए हॉस्टल में आए वहाँ पे एचएमसी नहीं थी विच इज़ द हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी तो आई वाज अ पार्ट ऑफ इट मैं उसका पार्ट बनी उसके भी काम आने लग गए बहुत ज़्यादा साइड बाय साइड मेरे को पढ़ाई करनी थी मेरे को वीडियोस पे भी फोकस करना था उसी टाइम पे आई मेड न्यू ईयर और आलचर की वीडियोस, वो सब मैंने किया फिर फिर क्या हुआ फिर उसके बाद हमारे टेकेवंस आ गया टेकेविस में हमें प्रोजेक्ट्स शोकेस करने थे तो हमें प्रोजेक्ट सिर्फ शोकेस करने थे तो अब मुझे मैजिक फ्रेम का प्रोजेक्ट देखना था मुझे टेकेवि मुझे के का प्रोजेक्ट दोबारा से शोकेस करना था इतनी मेहनत की थी उसको वेस्ट थोड़ी ना जाने देंगे तो उसको शोकेस तो करना ही था तो वो हमने शोकेस किया टेके विंस गया टेकेवेंस में भी आई एल मेक अ वीडियो अभी नहीं थोड़े दिनों बाद आई एल मेक अ वीडियो इफ़ यू वॉन्ट इट नाउ यू कैन टाइप इन द कामेंट बॉक्स कि आपको क्या क्या प्रायोरिटीज़ पर वीडियोज़ चाहिए जो भी मैंने इस मतलब वीडियो में मैंशन की है तो यू कैन टाइप दैट आउट और फिर उसके बाद जब टेक इवेंट्स ख़त्म हो गया तो वी वर हैप्पी हमारे पास पंद्रह बीस दिन थे फॉर आर एग्ज़ाम्स आर ऑफलाइन एग्ज़ाम्स आर एन सेम्स हम एन सेम्स के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे बट रेडी uh, तो होना पड़ेगा ना यार मतलब पढ़ना पड़ेगा तो वी स्टार्टेड इट थोड़ा बहुत बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन आ जाती थी ये हो जाता था कभी कुछ हो जाता था कभी कोई और इवेंट uh, uh, आ जाता था क्योंकि कैंपस में अगर आप हो तो इवेंट्स की जो बरसात आपके ऊपर होती है वो तो आप आप या कोई भी नहीं बता सकते अचानक से इवेंट्स निकल आते हैं और इवेंट्स के नाम पे हमारे मैं इंटरिम थी एज इंटरिम इन की अभी जब तक इलेक्शंस नहीं हुए थे फिर से इलेक्शंस हुए मैंने इलेक्शंस में पार्ट लिया आई गॉट सिलेक्टेड लाइक फिर से एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सॉन्ग तो उसके लिए थोड़ा पुश मारना पड़ा कि लोग वोट दें मुझे उसमें मैं लग गई वो सब चीज़ें चल रही थी पेपर्स चल रहे थे पता नहीं क्या क्या चल रहा था और फाइनली हमारे पेपर्स ख़त्म हुए पता नहीं कैसे ख़त्म हुए भगवान भरोसे ही था जो भी था लेकिन आज रिजल्ट आ गया आई पास द मॉल मैं प्रमोट हो चुकी हूँ थर्ड ईयर आई एम सो हैप्पी फॉर दैट तो uh, रिजल्ट्स वगैरह आ गए पास uh, हो गई मैं दैट इज़ दी बिग हैप्पीनेस दैट आई गॉट इन माई लाइफ टुडे तो यही थी मेरी जर्नी फिर उसके बाद क्या हुआ फिर हमारी छुट्टियाँ शुरू हो गई मतलब पेपर्स जब ख़त्म हुए तो ऑब्वियसली छुट्टियाँ शुरू हो गई हमने सोचा कि चलो फिर से सिटी चलते हैं सिटी गए दोबारा से इसी बीच में ई सेल की भी पार्टी हुई थी सिटी में वहाँ पे भी हम गए थे तो वो सब हमने इंजॉय किया उसके बाद सब हो गया मेरा बर्थडे आ गया एलेवेंथ मे को और एलेवन्थ मे को जब मेरा बर्थडे आया तो हमने बर्थडे इन्जॉय किया और फिर एलेवेंथ में ट्वेल्थ मे की चार पाँच बजे से सुबह सुबह हम निकल गए और हम घर पहुंच गए एंड आई एम एट माय होम नाउ मेकिंग वीडियोज़ फ़ॉर यू गाइज तो इतनी ये सब मेरा एक्सपीरियंस था इन माय सेकेंड ईयर इसका एक मैं वीडियो फॉर्म भी बनाऊंगी जिसके अंदर मैं वीडियोस में दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हमने इन्जॉय किया दैट इज़ गोइंग टू बी अलॉन्ग वीडियो ये भी कुछ छो, छोटा नहीं था बट ठीक है एक्सपीरियंस uh, बताना रहता है तो सब कुछ बताना ही पड़ता है सो आई होप यू गाइज लाइक इट इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैन का